नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, UKPSC कनीय सहायक एग्जाम 2023 के लिए हिंदी व्याकरण सीरीज का आज ये छठा लेक्चर है और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कनीय सहायक एग्जाम में यहाँ पे हिंदी के सिलेबस में शामिल किया गया है वो है समास। तो आज दोस्तों यहाँ पे समास के बारे में, समास विग्रह के बारे में और समास कितने प्रकार के होते हैं ये सभी टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके नोट्स दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर हमारी सामान्य हिंदी की ई बुक मिल जाएगी। उस ई बुक में आपको इसके डिटेल्स, नोट्स और प्रत्येक टॉपिक के उसमें MCQ भी दिए गए हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि समास क्या है, समास क्या है, समास विग्रह क्या है, सामासिक पद क्या है, ये सारी बेसिक चीजें पहले समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। देखो, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है और इस जो निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है उसे हम कहते हैं समास। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे ये है राजा का पुत्र, इसमें तीन शब्द हैं राजा का पुत्र, तो इन तीन शब्दों को हमने क्या किया, एक साथ मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाया है और ये कहलाया राजपुत्र। तो ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं समास और इस प्रक्रिया के तहत यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बनता है उस शब्द को कहते हैं सामासिक शब्द। तो ये है यहाँ पे सामासिक शब्द। और ये जो प्रक्रिया है जो कि हमने ये तीन शब्द जो हमने एक साथ मिलाई, ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कहलाती है समास। तो अब आप यहाँ पे समास समझ गए, सामासिक पद क्या होता है या सामासिक शब्द क्या होता है ये भी आप समझ गए हैं। अब देखो समास का जो वैसे अगर हम बात करें शाब्दिक अर्थ वो होता है संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण यानी छोटा करना, विस्तार यानी बड़ा करना और संक्षेप। आपने कई बार प्रश्न में जैसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इस प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दीजिए यानी छोटे शब्दों में दीजिए, तो संक्षेपीकरण जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेपीकरण है। तो यहाँ पे आप उदाहरण से दे सकते हैं, ये तीन शब्द थे और हमने इन तीन शब्दों का संक्षेपीकरण करके इनका एक शब्द यहाँ पे सार्थक शब्द बना दिया है। उसी प्रकार प्रयोग के लिए साला, यहाँ पे चार शब्द हैं और इनका संक्षेपीकरण करके यानी छोटा करके इनसे एक सार्थक शब्द बना दिया है प्रयोगशाला। और ये सारे जो शब्द हैं दो या दो से अधिक शब्दों के जो मेल से जो सार्थक शब्द बन रहा है वो कहलाया जा रहा है सामासिक शब्द। प्रत्येक दिन दो शब्दों से मिलाकर एक शब्द बन गया प्रतिदिन। तो ये है यहाँ पे समास की प्रक्रिया। और समास जो हम करते हैं वो एक संक्षेपीकरण प्रक्रिया है और इससे जो नया सार्थक शब्द बनता है वो हमारा सामासिक शब्द कहलाता है। तो ये तो समास के बारे में दोस्तों थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। और उसके बाद आता है समास विग्रह, तो इसका बिल्कुल विपरीत। समास में हम क्या कर रहे हैं, जो समास की प्रक्रिया है उसमें हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बना रहे हैं, जबकि विग्रह में हमें क्या करना है, जो समस्त पद या जो सामासिक पद है उसके सभी पदों को अलग अलग करके जो अलग अलग शब्द होंगे उन्हें हम कहेंगे, जो ये प्रोसेस होगी उसे हम कहेंगे समास विग्रह। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला का समास विग्रह क्या हो जाएगा, प्रयोग के लिए साला। तो इस एक शब्द को हमने अलग अलग कर दिया और फिर इसमें जो चार शब्द बन रहे प्रयोग के लिए साला, ये इसका क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक जो चीजें थी जो आपको समझनी है। अब हम बात करेंगे जहां से सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि समास के भेद। और प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, कोई शब्द आपके पास आ गया तो बताइए इसमें से इसमें कौन सा समास है, या कई बार क्या आता है कि कोई भी शब्द आ गया तो उसका आपको समास विग्रह करना होता है। तो समास के भेद हम यहाँ पे पहले जानने का प्रयास करते हैं। समास के छह भेद होते हैं हिंदी में, हिंदी व्याकरण में। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये छह भेद होते हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण में समास के। अब समास की पहचान कैसे करनी है, तो जो समास होता है उसमें दो, समास रचना में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे यहाँ पे प्रतिदिन है तो इसमें ये पूर्व पद ये है और उत्तर पद यानी बाद का पद। प्रयोगशाला में प्रयोग पूर्व पद है, साला उत्तर पद है। राजपुत्र में राज क्या है, पूर्व पद है और पुत्र क्या है, उत्तर पद है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर आपको समास की पहचान करनी होती है। तो जिस समास में पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है।
अभी हम इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययीभाव समास में। उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, यानी मुख्य मुख्य शब्द होता है वो, या मुख्य पद। और दोनों पद जिसमें प्रधान हो वो कहलाता है द्वंद्व समास, और जिसमें दोनों पद अप्रधान हो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो अभी चार ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, क्योंकि आगे में जब मैं आपको डिटेल्स में प्रत्येक समास के बारे में बताऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्व पद प्रधान क्यों है और उत्तर पद प्रधान क्यों है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में, या द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान क्यों है और बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान क्यों है। तो सबसे पहले दोस्तों समास के भेद में सबसे पहले बात करेंगे, पहला जो भेद है समास का वो है अव्ययी भाव समास। अब देखो यहाँ पे अव्ययी भाव समास में यहाँ पे आप शब्द देख लीजिए, अव्यय पहला जो शब्द आ रहा है वो अव्यय आ रहा है, यानी इसमें क्या होगा, एक तो इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान कैसे होता है वैसे इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन कैसा होता है फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अव्ययी भाव समास की पहचान करनी है। तो इसमें क्या होता है कि जो पूर्व पद या प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, और साथ ही साथ जो प्रथम पद होता है या जो प्रधान पद होता है, जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? अव्यय। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं प्रथम पद हमेशा क्या होगा? अव्यय या उपसर्ग। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द मैंने आपको कई बार बता रखे हैं और इनकी पहचान करनी आपको जरूर आती होगी। तो प्रथम पद क्या होगा इसमें? अव्यय या उपसर्ग होगा। तो जहां पर आप देखोगे वहां पे उपसर्ग लगा हुआ है, जो प्रथम पद है वो अव्यय होगा, तो वहां पर हमेशा क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब देखो यहाँ पे उदाहरण ये है, सामासिक पद, इसे समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिदिन, तो प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। अनुरूप, तो इसमें देखो पूर्व पद अनु है और उत्तर पद है रूप, तो अनु क्या है? एक उपसर्ग है या अव्यय है, तो यहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास। आजन्म, तो आ क्या है? उपसर्ग है। जन्म उत्तर पद है, तो पूर्व पद हमेशा क्या है यहाँ पे? उपसर्ग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, यथार्थ, यथार्थ, यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो इसमें जो यथा शब्द है वो क्या है? इसमें उपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? एक तो पहला पद प्रधान होता है, इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं, या इस तरीके को भी आप नोट कर सकते हैं कि प्रथम पद उसमें क्या होगा? हमेशा अव्यय या उपसर्ग होगा। अब इसमें पहला पद प्रधान किस प्रकार से है? देखो यहाँ पे ये शब्द है प्रतिदिन, तो जो उत्तर पद है दिन, यह है पूर्व पद, इसमें प्रति आ गया, उत्तर पद आ गया दिन। तो अगर आपको कोई कहेगा दिन, तो दिन से आप कुछ नहीं समझोगे, वो दिन किस समय की बात कर रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन प्रतिदिन, तो प्रति से दिन का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि वो प्रत्येक दिन की बात कर रहा है। रूप, लेकिन कैसा रूप? अनुरूप, यानी जो रूप के योग्य है। जन्म, जन्म, ठीक है, किस प्रकार का जन्म है? अगर इसके पहले यहाँ पे उपसर्ग लग गया आ, तो आ जन्म, यानी जन्म से लेकर, अगर किसी ने कह दिया जन्म, लेकिन जन्म में जो प्रभाव पड़ रहा है शब्द का, किसका प्रभाव पड़ रहा है? आ जो यहाँ पे ये है उपसर्ग, इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रधानता, यानी मुख्य भूमिका कौन निभा रहे हैं? ये शब्द निभा रहे हैं, तो इसलिए पूर्व पद हमेशा अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रधान होता है। उम्मीद करते हैं कि अव्ययी भाव समास आप समझ गए होंगे, और इसमें प्रथम पद या जो पूर्व पद होता है ये क्या होता है? उपसर्ग और अव्यय होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अधिक से अधिक इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी है, और इसके एमसीक्यू आपको हमारी ईबुक में मिल जाएंगे, तो ईबुक से भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज्यादा दोस्तों आप एमसीक्यू कवर करोगे, उतनी ज्यादा आपको समझने में आसान लगेगा ये समास, बिल्कुल समास में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आप इस वीडियो लेक्चर के बाद कुछ प्रश्न अगर आप अपने आप हल करते हो तो। काफी अच्छी तरीके से मैं आपके यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ डिटेल्स में। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है समास का वो है तत्पुरुष समास। अब देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि कौन कौन समास ऐसे हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। तो तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है,
और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो जहां पर आप देखोगे कि दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। देखो यहाँ पे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म कारक आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे ये है ना विग्रह, अगर हमने कर दिया है ना, ये है डिटेल्स में, ये विग्रह है गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पे देखो कारक का विलोप हो जा रहा है, को का विलोप हो जा रहा है, तो गगन चुंबी चूमने वाला यानी चुंबी और गगन ये हो गया। लेकिन जो ये कारक की विभक्ति थी, जो कारक चिन्ह था, जो विभक्ति थी, ये यहाँ पे लोप हो जा रही है। तो जहां पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। अब किस कारक की विभक्ति या किस कारक का चिन्ह वहां पे लोप हुआ है, तो जिस कारक का चिन्ह वहां पे लोप हुआ है वहां पर वही तत्पुरुष समास होगा। यानी जैसे यहाँ पे कर्म कारक का चिन्ह लोप हुआ है तो कर्म तत्पुरुष समास। यहाँ पे देखो शोक ग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त, तो से कारक विभक्ति आई तो से किसमें होती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण से के द्वारा, तो करण करण तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे पुरुषों में उत्तम, कर्ता ने कर्म को यहाँ पे अधिकरण में, अधिकरण में पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समाप समास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो पुरुषों में उत्तम, जो ये विलोप हो रहा है पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम में का यहाँ पे विलोप हो रहा है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, और किस कारक की विभक्ति लोप हो रही है वो है अधिकरण कारक, तो यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब देखो तत्पुरुष समास के यहाँ पे छह भेद होते हैं, देखो टोटल कारक कितने होते हैं, आठ कारक होते हैं, तो इसमें दो कारक नहीं होते हैं, बाकी जो छह कारक हैं तो वो सभी छह कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष जिसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है। तो संबोधन नहीं आता, एक तो संबोधन नहीं आता है और एक नहीं आता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक के अलावा जितने भी कारक हैं उतने प्रकार के यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास हैं। तो कर्म तत्पुरुष समास में अगर हम देखेंगे, इसको द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं, इस समास में कर्म कारक की जो विभक्ति है को का लोप हो जाता है। रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, तो देखो को का यहाँ पे लोप हो गया है, तो रथ चलाने वाला यानी चालक, तो रथ चालक ये आ गया आपका सामासिक शब्द। जब आप समास विग्रह करोगे इसका तो फिर आपको वहां पे कारक की विभक्ति वहां पे जोड़नी होगी, रथ को चलाने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो कर्म कारक की विभक्ति है ना को, मैंने कारक आपको पढ़ा रखे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध काके की, अगर आप कारक की वीडियो देखना चाहते हैं तो काफी डिटेल से मैंने बता रखी है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कारक बाई जरधारी क्लासेज, तो वहां पर मैंने प्रत्येक कारक के बारे में डिटेल्स में दोस्तों उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो उसको आप जरूर देखें, तब आपको यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो करण तत्पुरुष दूसरा है, जो इसको तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं, तो इस समास में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, जो से और के द्वारा, ये विभक्ति किसकी है, करण कारक की है, मन चाहा यानी मन से चाहा, तो से की यहाँ पर क्या हो गया, लोप हो गया, तो मन से चाहा यानी मन चाहा, और मन चाहा जो समास ये बना है तो किस समास की प्रक्रिया के माध्यम से बना है, करण तत्पुरुष समास के द्वारा। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, कालिदास चरित, कालिदास द्वारा चरित, तो देखो द्वारा जो विभक्ति है वो किसकी है, करण तत्पुरुष की। उसी प्रकार संप्रदान, तो संप्रदान की जो विभक्ति होती है वो के लिए होती है, तो प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए यहाँ पे लोप हो जा रहा है, तो फिर प्रयोगशाला बना है ये शब्द, ये सामासिक शब्द, तो प्रयोगशाला जो सामासिक शब्द है वो किस समास के माध्यम से बना है, संप्रदान तत्पुरुष समास के माध्यम से। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए ये विभक्ति आ रही है, तो इसमें तत्पुरुष कारक है, और कौन सा तत्पुरुष समास है इसमें, तो वो है संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि संप्रदान कारक की विभक्ति का यहाँ पे लोप हो रहा है। चौथा है अपादान, अपादान में हमेशा क्या होगा, अलगाव होता है, और यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से, तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया यानी ऋण से उसका अलगाव हो गया है।
तो इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास आएगा। जलहीन, जल से हीन, यानी जल से वो मुक्त हो चुका है, जल से उसका अलगाव हो चुका है, तो जल से हीन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में संबंध कारक की विभक्ति जो काके की होती है उसका लोप हो जाता है, जैसे राजा का पुत्र, तो का यहाँ पे विभक्ति किसकी है, संबंध तत्पुरुष समास की है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, और देश रक्षा, देश की रक्षा, तो ये सभी जो कारक चिन्ह है, कारक की जो विभक्ति है उनका यहाँ पे लोप हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास है। लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है, वो है संबंध तत्पुरुष समास। और अंतिम जो तत्पुरुष समास है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसको सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं, और इसमें मे पर जो विभक्ति है अधिकरण कारक की उसका लोप हो जाता है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, और आनंद मग्न, आनंद में मग्न, तो मे जो ये विभक्ति है इसका लोप हो जा रहा है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। तो ये जो सामासिक पद बना है ये किस समास के माध्यम से बना है, अधिकरण तत्पुरुष समास के माध्यम से। एक संस्कृत में आता है दोस्तों, ये हिंदी में नहीं आता वैसे, नया तत्पुरुष समास, तो इसमें पूर्व पद क्या होता है, नकारात्मक होता है, आप नॉलेज के लिए इसको नोट कर सकते हैं, पूर्व पद इसमें नकारात्मक है, जैसे अचल, तो अचल यानी इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो नचल, नापसंद यानी जो पसंद नहीं है, अनेक यानी एक नहीं अनेक हैं, तो कुल मिला के पूर्व पद क्या हो रहा है, नकारात्मक आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इसलिए इसको नया तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें इस प्रकार के शब्द लगे रहते हैं, आ, अन, ना, ना, जिससे नकारात्मक का भाव उत्पन्न होता है। तो ये वैसे हिंदी व्याकरण में नहीं आता, ये संस्कृत व्याकरण में आता है, तो यहाँ पर आपको इसको वैसे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको नॉलेज के लिए यहाँ पर इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास आपको बता दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समास का तीसरा भेद है यहाँ पे कर्मधारय समास। अब देखो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास कई बार क्या होता है कि आपको देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, बिल्कुल दोनों में काफी अंतर होता है, तो इसलिए इस अंतर को अगर आप समझ गए तो फिर आप कभी भी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से बताइए कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो वो आ जाएगा अव्ययी भाव समास। निम्न में से बताइए किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और उसके बाद द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इस प्रकार के ये छह सात जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया पॉइंट, चार पॉइंट, तो चार पॉइंटों से चार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको पद की प्रधानता के आधार पर समझना होगा, ये आप याद भी कर सकते हैं। इसको अगर आप समझते भी नहीं है, समझने का मैं दूसरा आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपको समास के बारे में समझना है। कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें उपमान व उपमेय देखने को मिलेगा, और अगर आप इसको याद नहीं कर सकते हैं तो सीधी सी बात, यहाँ पे विशेषण और विशेष्या, विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषता किसकी बताई जाती है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई प्राणी हो सकता है, यानी वो होगा संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम। तो इसमें क्या होगा, अब कर्मधारय समास में हमेशा जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा, और जो अंतिम पद या उत्तर पद होगा वो हमेशा क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा। अब देखो यहाँ पे उदाहरण, अब यहाँ पे और उपमान उपमेय भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे, यानी एक शब्द की हम विशेषता बताएंगे और दूसरे से मुकुलना के यहाँ पे क्या होगा, तुलना होगी, तुलना विशेषता बताई जा रही होगी या कहीं ना कहीं उसकी तुलना की जा रही होगी, जो पूर्व पद या जो उत्तर पद है उनके आपस में कहीं ना कहीं तुलना की जा रही होगी, उनका उपमान और उपमेय का संबंध हो सकता है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण, उदाहरण से देखेंगे हम यहाँ पे चरण कमल। देखो चरण कमल, अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे विशेषण और संज्ञा, ये दोनों संज्ञा की तरह आगे, चरण भी संज्ञा हो गई और कमल भी संज्ञा हो गई, लेकिन यहाँ पर उपमान और उपमेय है, चरण के समान कमल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, चरण के समान कमल, जो कमल है वो किसके समान है, चरण के समान है, तो इसलिए यहाँ पे उपमान और उपमेय
ये शब्द आ गए, ये उपमान हो गया और यह उपमेय हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख। अब देखो यहाँ पे बहुव्रीहि में क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो चरण कमल, तो इसका कुछ अर्थ दूसरा ही निकलता है, लेकिन इसका अर्थ तो यही है चरण के समान कमल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, तुलना हो रही है एक दूसरे से, क्या हो रही है तुलना हो रही है, विशेषता बतलाई जा रही है, जो कमल की विशेषता किस प्रकार की है, चरण के समान है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष होगा, यहाँ पे चरण अभी क्या है, विशेषण है, और विशेष क्या है, कमल। विशेष यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, कमल की विशेषता बतलाई जा रही है किसकी तरह, चरण के समान। तो यहाँ पे ये विशेषण है और ये विशेष है। चंद्रमुख, चांद यहाँ पे क्या है, विशेषण है, और मुख यानी ये संज्ञा या ये क्या है अभी, संज्ञा या विशेष, या विशेष यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, तो विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, मुख की विशेषता, लेकिन तुलना किससे की जा रही है, चांद से तुलना की जा रही है, तो चांद यहाँ पे विशेषण का कार्य कर रहा है। तो हमेशा कर्मधारय समास की पहचान आपको कैसे करनी है, वहां पे पहला जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा, अंतिम पद या जो उत्तर पद होगा वो संज्ञा होगा, लेकिन दूसरा अर्थ कोई अन्य अर्थ निकल के नहीं आएगा। जहां पर अन्य अर्थ निकल के आएगा वो क्या होगा, बहुव्रीहि, जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज या चक्रपाणि, चक्रपाणि तो चक्र को धारण करने वाला यानी विष्णु। तो यहां पे चक्रपाणि, इसका अगर हम विग्रह करेंगे, चक्र को धारण धारण करने वाला, लेकिन इसका जो नया अर्थ निकल रहा है वो है विष्णु। तो बहुव्रीहि समास में एक नया शब्द निकल के आ रहा है, जबकि कर्मधारय समास में इस ये नहीं हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष या संज्ञा है या उपमान और उपमेय। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो देखो विशेषण, पहला शब्द ये विशेषण है, लाल विशेषण लाल है, और मणि क्या है, विशेष यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, या मणि क्या है, संज्ञा, विशेषता हमेशा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की बतलाई जाती है। एक और उदाहरण, महात्मा, महान है जो आत्मा, महाकवि, महान है जो कवि। तो इस प्रकार से दोस्तों कर्मधारय समास आप यहां पे समझ गए होंगे। अब यहां पे कर्मधारय और बहुव्रीहि में आप कभी भी, आपको समस्या नहीं होगी, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जितनी ज्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद द्विगु समास, तो द्विगु समास में अब देखो यहां पे क्या है, विशेषण था, लेकिन यहां पे कभी भी आप संख्यावाचक विशेषण नहीं दो नहीं देखोगे। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार आप जानते होंगे, तो सभी प्रकार के विशेषण आएंगे अगर, तो वो कर्मधारय समास में आएंगे केवल संख्यावाचक के अलावा। और जहां पर पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण होगा, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, वहां पर हमेशा क्या होगा, द्विगु समास होगा। यानी पहला पद यहां पे हमेशा क्या होगा, संख्या, संख्या को इंगित करेगा, जो पूर्व पद होगा इंगित करेगा। तो द्विगु समास की ट्रिक क्या है कि पहला जो पूर्व पद होगा वो संख्या को इंगित करेगा। त्रिलोक, त्रि से यानी तीन लोक, चौराहा यानी चार, जो चो है इसका मतलब चार, और राहा यानी रास्ता। तिरंगा, तो रंगा से रंग, और ती से तीन। नवरात्र, नव यानी पूर्व पद है तो इसका मतलब होता है नौ, और रात्रि यानी नौ रातों का समूह। तो देखो पहला जो पूर्व पद था, त्रि इसमें पूर्व पद था, चो इसमें पूर्व पद है, ती इसमें पूर्व पद है, नव इसमें पूर्व पद है, और सभी पद जो सभी ये शब्द हैं वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, एक संख्या की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जब भी पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, तो वहां पर सदैव सदैव क्या होता है, द्विगु समास होता है। द्विगु समास के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे शताब्दी, शताब्दी यानी सत सब सत सत वर्षों का समूह, सात सालों का समूह, या सत इसको क्या कहते हैं, इसको सत वर्षों का समूह, सात वर्षों का समूह, तो सत यानी सो, तो यहां पे सो आ रहा है, तो यानी ये भी क्या है, द्विगु समास है। दोपहर, दो पहरों का समाहार,
दोपहर या दोपहरों का समाहार। तो दो इसमें आ रहा है ना ये पूर्व पद, तो यहाँ पे भी क्या होगा द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास की पहचान क्या है कि इसमें पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो शुरुआत में मैंने ही कहा था कि पूर्व पद और उत्तर पद, ये लिखे यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद से समास का निर्माण होता है। तो राजपुत्र, राज यहाँ पे पूर्व पद है और पुत्र यहाँ पे उत्तर पद है। प्रयोगशाला, प्रयोग यहाँ पे पूर्व पद है, शाला यहाँ पे क्या है उत्तर पद है। तो पूर्व पद इसमें हमेशा क्या होगा द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण होगा। उसके बाद है द्वंद्व, द्वंद्व हो रहा है। अब देखो द्वंद्व समास में क्या होता है कि इन समास में समस्त पदों में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि दोनों पदों की जो दोनों पदों एक मुख्य का काम करते हैं, दोनों पद इसमें क्या होते हैं मुख्य होते हैं, तो इसलिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और विग्रह करने पर और अथवा या एवं आता है। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह नहीं दिया जाता है। और इसमें एक अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, इसमें अधिकांश क्या होते हैं जो ये द्वंद्व समास में जो दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं विलोम होते हैं या विलोम के जैसे होते हैं, विलोम जैसे। अब देखो तो द्वंद्व समास में क्या होगा विलोम, विलोम यानी विपरीत होंगे, और जब भी विपरीत होंगे तो उनमें आपस में द्वंद्व होगा। ठीक है, तो द्वंद्व से आप ये तरीका नोट कर सकते हैं कि विलोम यानी विपरीत, और जब विपरीत मिलेंगे किसी के करेक्टर अगर विपरीत होते हैं तो उनमें आपस में क्या होता है द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व समास में विलोम आपको यहाँ पे विलोम से आप इसको समझ सकते हैं। देखो नदी नाले, बीच में क्या आ गया योजक चिन्ह, ये आ गया नदी और नाले, इसका समास विग्रह, विग्रह करने पर और या और एवं आता है। ठीक है, माता पिता एक दूसरे क्या है विलोम है, माता और पिता। पति पत्नी एक दूसरे क्या है विलोम है, पति और पत्नी। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म एक दूसरे क्या है, देखो पूर्व पद और जो अंतिम पद है एक दूसरे के विलोम है, पूर्व पद और अंतिम पद एक दूसरे के विलोम है, पूर्व पद और अंतिम पद एक दूसरे का विलोम है। तो ये इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। द्वंद्व समास आप समझ गए होंगे। उसके बाद अंतिम समास यहाँ पे बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद प्रधान क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस समास में जो इसका अर्थ निकलता है वो अर्थ किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है। तो जब उसका अर्थ ही तीसरा है तो फिर वो जो दोनों पद होंगे, जो समास में दो पद होंगे, उनका कोई भी विशेष अर्थ नहीं होता, क्योंकि कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए उन दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वह दो पद मिलकर तीसरे पद को संकेत करते हैं। तो इसमें क्या होता है तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी गणेश, लंबोदर का अर्थ गणेश। लंबोदर का प्रयोग किसके लिए होता है, गणेश भगवान के लिए होता है। महावीर यानी हनुमान, तो महावीर महान वीर है जो, यानी हनुमान के लिए प्रयुक्त हुआ है महावीर। तो जो महावीर है, महा और वीर पूर्व पद और अंतिम पद, लेकिन ये पद मिलाकर एक तीसरे पद यानी हनुमान के लिए संकेत कर रहे हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण, तो गिरिधर किसकी ओर संकेत कर रहा है, एक तीसरे पद जिसका इस सामासिक पद से कोई लेना देना नहीं है, तो तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, इसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसलिए इसमें ये दोनों पदों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, मतलब प्रधानता नहीं रह जाती है, प्रधानता किसकी, एक तीसरे शब्द की है। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र है जो, यानी मृगों का राजा, तो वो कौन है शेर, सिंह। दशानन, दस हैं आनन जिसके। तो देखो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में यही अंतर है, कर्मधारय समास में वो तीसरे पद की ओर संकेत नहीं करता है, बल्कि बहुव्रीहि समास में वो तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो ये समास हो गए छह के छह समास, मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे देखो यहाँ पे, अब ये सामासिक पद है, ये इसका विग्रह है और इसमें कौन सा समास है वो यहाँ पे बताया गया है। अब देखो अनुरूप, अनुरूप में अनु, देखो अनु क्या है उपसर्ग है, और मैंने आपको बताया था कि जब पहला शब्द यानी पूर्व पद क्या होता है उपसर्ग होता है, वहां पर क्या होगा अव्ययी भाव समास होगा। तो ये हो गया। कर्महीन, कर्म से हीन है जो, और कर्म से हीन यानी से यहाँ पे विभक्ति आ चुकी है, और जिसमें भी विभक्ति होगी
कारक की विभक्ति, वहां पे क्या होगा तत्पुरुष समास होगा। लेकिन से किस कारक की विभक्ति है, वो है अपादान, अपादान से अलग होने में। तो अपादान यहाँ पे क्या है, अपादान तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, तो जो में विभक्ति किसकी है, अधिकरण, अधिकरण में पर, इसकी जो विभक्ति होती है वो में पर होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। यथाशक्ति, अब देखो यथा क्या है, यथा जो है ये है उपसर्ग, तो यहां पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वैसे यथा के अनुसार आ रहा है यहां पे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, लेकिन यहां पे यथा क्या है, यथा उपसर्ग है यहां पे। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या है पूर्व पद, तो पूर्व पद यथा यहां पे क्या है, उपसर्ग है, और ये प्रधान पद भी है, तो इसलिए यहां पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राधा कृष्ण, द्वंद हो रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है राधा और कृष्ण, द्वंद समास। मृग नयन, मृग के समान नयन है, मृग के समान नयन, लेकिन क्या किसी के मृग के समान नयन होते हैं या इसका कोई अलग अर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाला, या वीणा है पाणी में जिसके, यानी वीणा है जिसके हाथ में, यानी सरस्वती, तो वीणा पाणी से एक अलग अर्थ स्पष्ट आ रहा है सरस्वती, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुव्रीही समास हो जाएगा। देश विदेश, देश विदेश में भी द्वंद समास है, और चौपाया यानी चौ से चार, तो जहां पे पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण होगा वहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। उसके बाद दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनका आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा समास है। ये आठ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, तो इन आठों के आठों शब्दों में कौन सा समास है, इनका आपको समास विग्रह भी करना है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो समास वाला ये चैप्टर था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी डिटेल्स में मैंने आपको प्रत्येक जो ये छह प्रकार थे समास के उनके बारे में बताया है, और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।